दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस के भर्ती के रिलेटेड। ठीक है, वर्तमान जो नोटिफिकेशन आया है उसकी वेबसाइट पे कि भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, ठीक है, साथ ही एज कब से रहेगा, कब से काउंट होगा, हाइट क्या रहेगा, वेट चेस्ट क्या रहेगा, है ना, सभी के लिए। फिर जो ST हैं या डोगरा ऐसे जो रहने वाले हैं हिल स्टेशन के, गोरखा है ना, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या हिल स्टेशन में रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तराखंड के हो, मराठा हो, इनको जो छूट मिलता है हाइट में वो, ठीक है। साथ ही ये भर्ती किस किस के लिए आएगी, तो दो चीज़ के लिए है, एक जीडी कह ले, कॉन्स्टेबल जीडी या जीडी एग्जीक्यूटिव वो कह रहे हैं, तुम एग्जीक्यूटिव मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड्समैन की क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, दोनों साथ साथ आएगी, ठीक है। तो और इसमें बदलाव जो हुए हैं तो इस सब में हम बात करें। इससे पहले थोड़ी सी बात सिलेबस को लेकर के, ठीक है, उसमें आपको तीन चार चीज़ पूछेगा। जीडी जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, सेम वैसे ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है उसमें, वो है कंप्यूटर, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश नहीं है इसमें। हिंदी या इंग्लिश जो होता है वो दोनों बाहर हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो हिंदी होता है या SSC GD में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है वो बाहर हो गया है, और यहाँ पे कंप्यूटर एड हो गया है। तो आपको करना ये है कि एक बढ़िया सा प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना है, करंट अफेयर्स का बुक ले लेना है, और जो आप पढ़े हो उसी को पढ़ते रहना है, दूसरा अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है। कंप्यूटर का भी आप कर सकते हो, कोई छोटा मोटा कोई जैसे कोई भी क्लास यूट्यूब पे अगर कोई करा रहे हो तो वो आप कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भर्ती कब आएगी और जीडी एग्जीक्यूटिव का या इसकी जो मतलब क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो एग्जीक्यूटिव कह लो या जीडी जो जनरल ड्यूटी वाले होंगे उनकी जो है वो 12th पास होना चाहिए। और ट्रेड्समैन में जो ड्राइवर की भर्ती आएगी, है ना, बिगुलर की भर्ती आएगी, या फिर जो भी है बैंड्समैन, डॉग हैंडलर, MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती आएगी उसके लिए 11th पास चाहिए, मतलब मेनली 10 पास चाहिए, ठीक है, 11th पास उसने लेकिन लिखा है तो वो चाहिए, ठीक है। इन हो गए ये किसकी किसकी भर्ती आएगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, ठीक है। अभी हाइट वेट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट सभी के लिए है, 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा ST जो कैटेगरी है उनको, और किनको मिलेगा, तो डोगरा, गोरखा, ये सब जो मराठा, ये जो कुछ कम्युनिटी है जिनको मिलता है सभी भारत सरकार की तरफ से, वहां यहां पर भी उनको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो हिल स्टेशन में रहते हैं उनको भी जो मिल रहा है मिलेगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब भाई बात करेंगे भर्ती आने की, तो भर्ती आने के बारे में पहले भी बताया था, ठीक है, कि ये जो चेंज और बदलाव जो किए गए हैं जितने भी चीजें, वो सिर्फ अग्निवीर के लिए ही लाया गया था। उसमें से आपको बताया था कि 3 वर्ष का या 5 वर्ष का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो पहले बैच है अग्निवीर के उनको 5 वर्ष का मिलेगा, और जो दूसरे बैच कह ले या पहले बैच के बाद जो भी आएंगे उनको जो आने वाली भर्ती है ना, मतलब अगली भर्ती जो जब तक आती रहेगी, अभी जब तक पॉलिसी भारत सरकार का या दिल्ली पुलिस का चेंज ना हो जाए तब तक, ठीक है, तो वो 3 वर्ष का मिलेगा, मतलब पहला बैच 5 वर्ष का, बाकी बैचेज जो आएंगे अग्निवीर के उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा और 3 साल का एज रिलेक्सेशन मिलेगा, ठीक है, 5 वर्ष के पहले बैच को। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट उनके लिए नहीं होगा, उनको उसमें छूट मिलेगा। अब बात करें भर्ती कितनी आएगी, तो इसके बारे में आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन आया है जो वेबसाइट पे अपलोड किया दिल्ली पुलिस ने, उसके बारे में उसने कहा है कि ये जो बदलाव किए गए हैं अगले 30 दिन के बाद ये वैलिड हो जाएगा, अगर किसी तरह का कोई प्रश्न इस पर कोई नहीं उठाता है तो, और फिर उसके बाद भर्ती आएगी। तो भर्ती कितनी आएगी, कब से भरा जाएगा और एज कितना होगा, ये अभी दिल्ली पुलिस बताना बाकी है कितनी भर्ती आएगी और कब आएगी। साथ ही एज की बात करें कि एज कब से कब रहेगा, तो 18 से 25 वर्ष तक रहेगा, बाकी जो डिस्काउंट जिनको मिल रहा है 3 वर्ष का SC ST या OBC 5 वर्ष का वो मिलता रहेगा। और भरा जाएगा जब भी फॉर्म, तो संभवतः 1 जनवरी 2025 से मतलब एज काउंट किया जा सकता है, और 30 दिसंबर के बाद ही भर्ती अनाउंस हो सकती है, क्योंकि जो आप 29 नवंबर को जो ये वेबसाइट पे अपलोड हुआ है ये बदलाव वाले नियम, उसकी वैलिडिटी 30 दिन तक है, 29 नवंबर को ये अपलोड हुआ है तो 29 दिसंबर तक इसका रहेगा, ठीक है, उसके बाद ही भर्ती अनाउंस हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।